Hello students, so I'm back with another video for your competitive exam. I know you are working hard, so here I am to help you. So our today's topic is error detection. Yes, हमारा आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन. नाम से ही पता चल जाता है, एरर डिटेक्शन मीन्स एरर को डिटेक्ट करना, किसी एरर को, किसी गलती को ढूंढना सेंटेंस में. यह है हमारा आज का टॉपिक. सो एरर डिटेक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सबसे पहले बता रही हूं, जो आप ध्यान में रखो जब आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हो. फर्स्ट पॉइंट है, डोंट गिव अनड्यू पॉजेस टू स्लैशेस. आपके एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में आपको स्लैशेस के साथ क्वेश्चन आता है. हर स्लैश में एक आपको डिवीजन दिखाई जाएगी कि ये डिवीजन है, लेकिन जब आप इसको स्लैशेस को ढूंढने के लिए इनको पढ़ते हो तो हर स्लैश के बाद आप बहुत ज्यादा मत रुको. कभी कभी क्या होता है, हर स्लैश के बाद आप रुक जाते हो सोचने के लिए और कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. और कभी कभी जो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो हम सही में वो नहीं पकड़ पाते कि इसमें मिस्टेक क्या है. तो उसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले कि फ्लो में पढ़ो. बहुत सारी हमारी एरर्स हम फ्लो में पढ़ते ही इमीडिएटली हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा यहां एरर है. लेकिन कभी कभी जब हम बहुत कॉन्शियसली बहुत ज्यादा एफर्ट करके बार बार रुक के एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता. इसीलिए बहुत ज्यादा पॉजेस नहीं देना, बार बार रुको मत जब आप पढ़ रहे हो. सेकेंड पॉइंट, यूज एलिमिनेशन मैथड. मीन्स एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि जो आपको मालूम है कि ये वाला पॉइंट तो ठीक है, मींस ए में कोई मिस्टेक नहीं है या फिर बी वाले पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, पहले वो ढूंढ लो. आप ये ढूंढना वैसे आपको कि मिस्टेक किस पोर्शन में है, ए वाले पोर्शन में है, बी वाले में है, सी वाले में है. लेकिन सबसे अच्छा मेथड होता है अगर आप पहले ये ढूंढो कि जिस जिस में कोई मिस्टेक ही नहीं है, फिर आपके पास क्या होगा कि काफी कुछ तो आपका अलग हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है और मिस्टेक वाले पॉइंट्स बहुत कम बचेंगे, फिर आपको ढूंढना आसान होगा. थर्ड पॉइंट है कि ये मान के चलो, इस चीज को याद रखो, दैट दिस टेस्ट इज एरर डिटेक्शन नॉट करेक्शन. अब क्या मतलब इसका कि आपका यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो सिर्फ एरर डिटेक्शन का है, आपको गलती को ढूंढना है, करेक्ट नहीं करना कि अच्छा ये मिस्टेक है, अगर ये वर्ड नहीं है, अगर ये वर्ड गलत है तो ठीक वर्ड क्या होगा. अब आप ठीक वर्ड के लिए सोच रहे हो, नहीं आपको तो लगाना ही नहीं है ठीक वर्ड, तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो. आपको ये समझ आ गया कि है तो ये मिस्टेक, करेक्ट क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा, पर ये पक्का है ये मिस्टेक है, तो बस वहीं छोड़ो क्योंकि आपको सिर्फ मिस्टेक ही ढूंढनी है किस पोर्शन में है. और फोर्थ पॉइंट ध्यान रखो कि कभी कभी आपको रीजन ढूंढने की आदत हो जाती है कि इसमें मिस्टेक है तो क्यों है, वो भी मत करो. आपको समझ आ गया कि इस बी पोर्शन में या सी पोर्शन में मिस्टेक है, अब क्यों मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक बन रही है, वो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना. और लास्ट पॉइंट ध्यान रखो कि बहुत बार होता है कि हम ग्रामर एरर ढूंढने लगते हैं लेकिन कभी कभी स्पेलिंग के एरर भी होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो सकता, नहीं स्पेलिंग का भी एरर हो सकता है, तो हर बार ग्रामर एरर ही मत ढूंढो. ओके, जब आपको कभी कभी लगता है कि नहीं इसमें नो एरर वाला हम चूज कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे में एरर नहीं है, तो ध्यान रखो ऐसा तो नहीं कि ग्रामर की एरर ना हो लेकिन स्पेलिंग की एरर हो. तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखो तब इस क्वेश्चन को करो. तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं. मैंने तीन तरह की एग्जाम्पल्स ली है थोड़ी सी प्रैक्टिस ताकि आपको ज्यादा मिल जाए. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, आई हैव इंटरेस्ट इन टू गेम्स, वन फॉर आउट ऑफ डोर्स एंड वन फॉर इनडोर्स. फॉर एक्सरसाइज आई लाइक्स टेनिस. अब उसने कहा मुझे दो तरह की गेम पसंद है, एक इंडोर एक आउटडोर. और सबसे पहले उसने कहा कि अगर हम आउटडोर गेम की बात करें, एक्सरसाइज जिससे होती है, तो उसमें आई लाइक्स टेनिस. और यहां तक हमारा फर्स्ट पोर्शन है, आपको देखना है कि इसमें मिस्टेक है. अगर आपको यहां कहीं मिस्टेक नजर आती है, कहीं भी मिस्टेक नजर आती है,
तो इट मींस आपके आंसर में आना चाहिए ए, आप ए को टिक करोगे कि ए में मिस्टेक है। ठीक है, हम और देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि ए की मिस्टेक हो, आप सोचो कि एक मिस्टेक ढूंढी और ए तो ए में मिस्टेक निकल आई, अब बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता कोई और भी हो। ठीक है, सो आई लाइक्स टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी आर टू वायलेंट टू सूट मी। फुटबॉल और हॉकी जो है ये भी आउटडोर गेम्स है, इससे भी एक्सरसाइज होती है, बट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वायलेंट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे सूट करते हैं। क्रिकेट इज टू स्लो, और अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है वो मेरे हिसाब से बहुत स्लो गेम है। बैडमिंटन इज चाइल्डिश, और अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो मुझे वो बहुत चाइल्डिश लगती है। ठीक है, तो ये हमारा डी पोर्शन। अब आपको और एक है हमारे पास ई भी, कि अगर आप कहो कि इन पूरे में कहीं भी कोई एरर नहीं है तो आप ई को टिक करोगे, नो एरर। अब हम देखते हैं कि एरर है कि नहीं, इसमें एरर है और दो जगह एरर है। एक, आई हैव इंटरेस्ट इन टू गेम्स, वन फॉर आउट ऑफ डोर्स एंड वन फॉर इनडोर्स, फॉर एक्सरसाइज आई लाइक्स टेनिस। अब ये ध्यान रखो, ये हमारी एरर है, आई लाइक्स नहीं होता, आई लाइक होता है। ठीक है, अब आपको वहां करेक्शन तो लिखना नहीं होता कि लाइक लिखना है, आपको सिर्फ फाइंड करना है, डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट हो गया कि ए में मिस्टेक है, तो आप ए को मार्क कर दोगे कि ये ए में मिस्टेक है। ओके, तो ये है हमारा ए का मिस्टेक। देन फुटबॉल एंड हॉकी आर टू वायलेंट टू सूट मी, अब यहां भी मिस्टेक है, टू वायलेंट टू। अब जब यहां पर डबल ओ वाला टू होता है तो यहां पर सिंगल ओ टू होता है, तो हमारे पास इट मींस सी में भी मिस्टेक है, तो आप सी को भी टिक करोगे। तो इससे पता चला कि हमारे सी में भी मिस्टेक है। टू स्लो टू सूट मी, क्रिकेट इज टू स्लो, बैडमिंटन इज चाइल्डिश, देन नो एरर। ओके, सो इट मींस नो एरर तो हम चूज ही नहीं कर सकते, दो जगह बल्कि एरर मिली है। तो ये ध्यान रखो कि एक नहीं, कभी कभी एक से ज्यादा एरर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक में फर्स्ट में ए में ही आ गया तो आप वहीं पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, एक हम और एग्जांपल लेते हैं। इट इज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट वाटर पार्क। ए पोर्शन में पहले देखो मिस्टेक है कि नहीं। ओके, इट इज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट वाटर पार्क। आई ओनली, यहां तक हमने सेकंड लिया प्रपोज से शुरू करके ओनली तक, इसमें देखो कोई मिस्टेक है कि नहीं। आई ओनली विश आई कुड ज्वाइन यू फुल स्टॉप, बट आई एम सॉरी, यहां तक थर्ड पोर्शन है विश से लेकर, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू स्पेंड अ डे विद यू एज आई हैव अ मीटिंग इन ऑफिस। ओके, ये हमारे पोर्शंस हैं, टू तक ए, फिर उसके बाद ओनली तक बी, विश से स्टार्ट करो सॉरी तक सी, टू से स्टार्ट करो स्पेंड तक डी, अ से स्टार्ट करो देन ऑफिस तक ई, और उसके बाद एफ है नो एरर। ऑलरेडी हमारे पास पांच पोर्शन में हमने डिवाइड किया, फिर हमने सिक्स किया नो एरर। अब एक्चुअली इसमें एरर कोई भी नहीं है, इसमें हम कहेंगे नो एरर वाला जाएगा, नो एरर हमारा एफ है, तो हम इसको एफ को टिक करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इट इज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट वाटर पार्क। I only wish I could join you, but I am sorry to say that I shall not be able to spend a day with you as I have a meeting in office. जिस तरह से मैंने रीड किया आप भी ऐसे रीड करो, भूल जाओ उसमें स्लैश कितने हैं, क्या ए बी लिखा है, कुछ नहीं, आप कंटिन्यूटी में रीड करो, आपको जल्दी समझ आएगा कि इसमें मिस्टेक है तो कहाँ है और अदरवाइज नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल। द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज that it do not know what to do with its knowledge. Okay, कि civilization की सबसे बड़ी mistake ये है कि इसको ये नहीं पता कि knowledge के साथ क्या किया जाए। Science had given, अब A portion हमारा हमने यहां तक लिया द से लेकर नो तक, और B है what to do with its knowledge, science had given यहां तक। Science has given us parts fit for the gods, yet we use them like small children. See tak. For example, we do not know how to manage our machines. And then no error. अब इसमें भी आपको देखना है एरर है, अगर है तो कहाँ है, और इसमें एरर हम देखते हैं कहाँ है।
The third great defect of our civilization is that it do not know. Do not नहीं आना चाहिए, यहाँ it के साथ क्या आएगा, does not. तो it means हमारी error कहाँ है, A में. तो A में हमारा error है, ठीक है. यहाँ पर do not की जगह क्या आना चाहिए था, does not. That it does not know what to do with its knowledge. Science had given us paths fit for the gods, yet we use them like small children. अब यहाँ science had given, अब had क्यों, अब नहीं है साइंस ने दिया, पहले दिया था किसी जमाने में, नो. यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज गिवन. इट मीन्स बी में भी हमारा मिस्टेक है. तो हमें लिखना क्या चाहिए यहाँ पर, साइंस हैज गिवन अस पार्स. सो यहाँ भी एक मिस्टेक है, साइंस हैज गिवन अस पार्स फिट फॉर द गॉड्स येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स एंड देन नो एरर. सो इट मीन्स पहले में भी दो एरर है, सेकेंड वाले में भी दो एरर है, और बीच वाले में हमारा एक ही एरर है, और वो सॉरी बीच वाले में एरर ही नहीं है, इसलिए हमने एफ को टिक किया. तो इसी तरह से आपको एरर डिटेक्शन करना है, डिटेल में नहीं जाना. मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों मिस्टेक है, लेकिन आपको वहां पर कोई रीजन नहीं बताना, आपको तो टिक करना है. मिस्टेक किसमें, ए पोर्शन में है, सी पोर्शन में है. यहां पर किसी में नहीं है तो हमने एफ लगा दिया, नो एरर. यहाँ पर मिस्टेक है ए पोर्शन में और बी पोर्शन में, हमने सिर्फ टिक लगाया. आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि आप जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई जब नहीं पूछा जाएगा तो आपको उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना. आपने सिर्फ टिक करना है कि इसमें है मिस्टेक और इसमें मिस्टेक नहीं है, इससे ज्यादा आपको इसके ऊपर टाइम नहीं देना. बट अगेन फिर मैं यही बात कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करो. जब तक आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वोकैबुलरी आप एनरिच नहीं कर सकते. वोकैबुलरी ऐसी चीज नहीं है कि आप एक डिक्शनरी को बाय हार्ट लर्न कर सको, ऐसा नहीं होता. आपको डेली प्रैक्टिस में ग्रामर चाहिए. सो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए भी ग्रामर को करने का टाइम जरूर निकालो, ताकि आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा तो आप सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं, आगे जॉब्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, ये सारी चीजें वहां भी आपको जरूरत पड़ेगी और ये हेल्प करेगी. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज. प्लीज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, सो दैट आई गेट मोर मोटिवेशन टू हैव मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू. थैंक यू.